हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप देख रहे हैं आर एस टी फैमिली ब्लॉग। तो गाइस, अभी बज रहे हैं रात के 11, और हाँ, रात के 11, और हम अभी हम बाहर से आए हैं। तो आज गाइस, आज का दिन बहुत हेक्टिक था। ऐसे ही गए थे थोड़ा, मतलब जीरो के चेकअप के बहुत सब्जेक्ट हुआ हॉस्पिटल। ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब थोड़ा काफ़ी कोल्ड ज़्यादा हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि 3-4 दिन से तबियत नहीं चल रही थी। तो वही गए थे हम लोग हॉस्पिटल के लोग, सब ठीक है, वायरल फीवर वगैरह है, मेडिसिन वगैरह दे रही है उसकी। और हमको आते आते बहुत लेट हो गया फ्रेंड्स। ये देखो, मेरे फ़ोन की बैटरी भी लो हुई थी, वहाँ पर चार्ज नहीं करने को मिला। हमने लगाया था चार्ज, उनकी कोशिश से चार्ज हो नहीं पाया। फिर उन्हें ब्लूटूथ चार्ज डाल दी उसने। देवांशी डैडी का फोन दिखा रहे। अच्छा डैडी, अगर तो गाइस, आज देवांशी ने बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। कि मैंने इसको बोला था, मैं जा रही थी हॉस्पिटल, मैंने इसको बोला था कि देखो आज सारी चीज़ें करनी थी। एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे गाइस इसके 17 जुलाई से, दैट इज मंडे से। और तो मैंने जो भी पेपर पैटर्न में दिया था, मैंने बोला तुझे ये करके रखना है, मैं आने तक ही कंप्लीट हुआ रहे थे क्या 2 टाइम्स। तो देवांशी ने सच में आज कुछ नहीं क्या क्या किया। जब मैं आई तो मैंने देखा कि उसने सारी चीज़ें कंप्लीट कर रहे थे। कि अभी आपको दिखाते हैं हम लोग, और देवांशी से पूछते हैं कि उसने कितने दिन फ़ोन चलाया और कितने घंटे पढ़ाई की। मम्मी देवांशी की दादी बोलती थी कि उसने कंटिन्यूस 3 से 4 घंटे तक पढ़ाई की है। मोबाइल को हाथ तक नहीं लगाएगा। इसको बहुत, मतलब शॉकिंग न्यूज़ है, शॉकिंग चीज़ है कि उसने मोबाइल को हाथ नहीं लगाया 3 से 4 घंटे। देवांशी से पूछते हैं कि उसका आज का दिन कैसा रहा। देवांशी जरा जरा बता तो, कैसा रहा तेरा दिन, क्या क्या किया? इसमें चेक कर लूँ क्या होमवर्क था इसका। ये देखो देवांशी ने यहाँ पे लिखा है, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। यहाँ पे ना क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर है 2 टाइम्स। हाँ, बहुत सारे पेजेस लिखे हैं, कहने का मतलब गाइस बहुत सारे पेजेस लिखे हैं इसने, ठीक है। और पहली बार देवांशी ने आज अभी तक की स्कूल लाइफ में पहली बार इतनी देर तक पढ़ाई की है। तो देवांशी कैसा लगा तुझे इतनी देर तक पढ़ाई करके, जरा बता दे फ्रेंड्स को। इसी पे देवांशी को मिलेगा आज पाव भाजी। सो गाइस, इस कड़ी मेहनत के लिए बोल सकते हैं कि देवांशी को देवांशी के डैडी की तरफ से और मम्मी की तरफ से पाव भाजी सरप्राइज बोले या फिर क्या बोले, गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है। गिफ्ट के तौर पे दिया था देवांशी हम लोग की तरफ से। देखो ये गिफ्ट है, समझ ले, डिनर डिनर में देखो एक सरप्राइज, ठीक है, पाव भाजी। सरप्राइज क्या होंगे गाइस, मतलब हमने इसके लिए पाव भाजी, तो इसकी बहुत फेवरेट है इसकी, इसको बहुत पसंद है। पसंद है तुझे पाव भाजी? हाँ, तो देवांशी और देवांशी दादाजी को बहुत पसंद है। तो हम लोग क्यों ना आज देवांशी को इतनी कड़ी मेहनत के लिए पाव भाजी ही। हाँ, तो आज मेरा त्रयोदशी का व्रत है, उपवास है, खा मुझे। अभी बस मतलब इसको दे दिखा दे, पापा जी दिखा दो फ्रेंड्स को। हाँ गाइस, ये देखो, ये है पाव भाजी, आप देख सकते हो। मैंने पूरी भी रख दी है। क्यों पूरी रख दी है? क्योंकि ना इससे पाव पाव खाएगी, थोड़ा पूरी भी खा लेगी तो अच्छी ही रहेगा ना। मैं पूरी बना के रखी हूँ, वैसी पूरी रखी हुई है। और आम पन्ना बोलते ना वो रखा हुआ है, और भाजी हो गई, पाव भाजी भी मंगा दी है। लेकर आए ताकि तू खाए अब आराम से। गाइस, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को, आपको पाव भाजी पसंद है या नहीं पसंद है।
देवांशी को तो बहुत देवांशी ने खाना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग भी आइए देखिए उसने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे खाना कैसा टेस्ट है। अच्छा है। अब ऑनलाइन ऑर्डर किया था गाइस पता नहीं कौन से डेल से या जो भी है देवांशी के रेडी तो मतलब कि सैंडविच खा के आए थे तो अब वो खाने वाले नहीं है। देवांशी के दादाजी आएंगे उनके लिए पाव भाजी है पूरी वगैरह रखा है दादी भी यही खाएगी तो फिर आज का खाना हमारा हो जाएगा यहाँ पर। अब मैं जाऊँगी गाइस। अभी तक मैंने चेंज करने वाली हूँ हमने चेंज नहीं किया था ने बस वीडियो बना के और फिर चेंज करूँ उसके बाद गाइस एडिटिंग का काम रह जाता है तो एडिटिंग करने के बाद आप लोगों की वीडियो जाती है। तो फ्रेंड्स इतनी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दिया करें इस वीडियोस को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। आपको हेल्प और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और शेयर करें हमारे वीडियो को। अब देवांशी अपने अपना फेवरेट जो प्रोग्राम है वो देख रही गाइस आई यू और पी हूँ आँखें थोड़ा ना बहुत भरी भरी लग रही है पता है कि मुझे ना नींद जैसी आ रही कुछ काम फास्ट है आज एकदम अलग अलग कुछ भी नहीं खाना पीना जो भी है मैं नहीं खाती थी तो मम्मी बिल्कुल बोलते हैं खा लेनी वो जूस वगैरह ये मैं नहीं खाती थी। अब उनको कैसे पता चलेगा फिर भी गाइस आप लोग कमेंट में बताइए कि देवांशी को कोई फेवरेट कार्टून है। वैसे ही बच्चे अगर देखते हैं उनका कौन सा फेवरेट कार्टून होता है तो वो भी दिखाते जरा ये वाला ये जो तुमने बनाया था ये 100 सब्सक्राइबर्स तो गाइस देवांशी ने ना एक मतलब मैंने तो बनाया तो है देखिए क्या बनाया है देखिए क्या बनाया है इसने बनाया ना कि 100 सब्सक्राइबर्स जब हो जाएंगे हमारे तो फिर हो जाएंगे बेटा तो फिर वो केक कटिंग करेगी गाइस सेलिब्रेशन करेगी तो हम वेट कर रहे हैं ना गाइस हम लोग वेट कर रहे हैं ठीक है। प्लीज़ हमारे 100 सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट कंप्लीट करा दो। देखो मेरे देवांशी 100 सब्सक्राइबर्स पे भी केक कटिंग का सोच रहे सेलिब्रेशन करने के लिए तो आप लोग की हेल्प और मदद की तो ज़रूरत है ही ना गाइस प्लीज़ हेल्प एंड सपोर्ट अस। फिर उसके बाद पहले 100 सब्सक्राइबर्स पे सेलिब्रेट करेंगे फिर 500 सब्सक्राइबर्स पे और फिर 1K पे। ओके गाइस तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही तो फिर मिलेंगे हम नए ब्लॉग के साथ। लास्ट सब्सक्राइब बोला कितनी बार बोलना तो गाइस फिर मिलेंगे हम नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखें अपनी फैमिली का ध्यान रखें बाय बाय।